Hello and welcome to Alicia's Medical Classes, and our today's topic is nervous system in physiology. So let's begin without wasting much of our time. Nervous system controls all the activities of the body. Jitni bhi activities hoti hai body mein, that is controlled by the nervous system. Secondly, it is quicker than all the other systems in the body, namely endocrine system. Abhi endocrine system jo hai usse bhi fast jo response hai wo deti hai apni nervous system. अभी हम नर्वस सिस्टम की बात करें तो इट इज़ डिवाइडेड इनटू सीएनएस एंड पीएनएस, दैट इज सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम. तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में आता है हमारा ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम इज़ अगेन डिवाइडेड इनटू टू, एएनएस एंड एसएनएस. एएनएस इज ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम एंड एसएनएस इज सोमैटिक नर्वस सिस्टम. सो द एएनएस इज ऑल्सो डिवाइडेड इनटू टू, दैट इज सिंपथैटिक एंड पैरासिम्पथैटिक नर्वस सिस्टम. So this is the overall view of the nervous system, and here is the diagram of our nervous system, including this is the central nervous system including brain and spinal cord. The brain has parts like cerebrum, midbrain, pons, medulla oblongata, cerebellum, and here we have the thoracic segment, lumbar segment, sacral segment, coccygeal segment. These are the parts of the spinal cord. Now coming on to the central nervous system. Central nervous system is formed by the neurons and the supporting cells. So दो चीज़ें होती हैं, तो neurons और supporting cells. जो supporting cells है उसे बोलते हैं neuroglia. Now structures of the brain and spinal cord are arranged in two layers. अभी ये जो brain और spinal cord है वो हमारा दो layer में arranged है. एक तो grey matter और white matter. जो grey matter है वो बना है nerve cell bodies और proximal part of nerve fibers which are arising from the cell body. और जो white matter है वो जो remaining part of nerve fiber है उससे बना है. तो grey matter का क्या है, जो nerve cell body है हमारा वो, और जो nerve fibers का proximal part है जहाँ से cell body arise करती है वो, और जो वाइट मैटर है बाकी का जो भी पोर्शन बचता है नर्व फाइबर का वो वाइट मैटर बनाता है. तो भी ब्रेन में जो अंदर का पोर्शन होता है दैट इज़ वाइट मैटर एंड आउटर पोर्शन इज़ ग्रे मैटर. और स्पाइनल कॉर्ड भी उल्टा होता है, जो इनर होता है वो ग्रे होता है, आउटर होता है तो वाइट होता है. तो किसी एक का याद रख लो, दूसरे का उल्टा कर देना है. नाउ ब्रेन, जो ब्रेन है हमारा दैट इज़ सिचुएटेड इन द स्कल, वो कंटिन्यू होता है स्पाइनल कॉर्ड में वाया वर्टिब्रल कॉलम. तो द ब्रेन इज कंटिन्यूड एज स्पाइनल कॉर्ड इन वर्टिब्रल कॉलम वाया फोरमेन मैग्नम ऑफ द स्कल बोन्स. तो एक फोरमेन होता है जिसको जिसका नाम है फोरमेन मैग्नम, दैट इज प्रेजेंट इन द स्कल बोन्स. सो द ब्रेन इज कंटिन्यूड एज स्पाइनल कॉर्ड इन द वर्टिब्रल कॉलम वाया दिस फोरमेन. दिस इज नोन एज फोरमेन मैग्नम ऑफ द स्कल बोन्स. नाउ द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, अभी ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड है उसके सराउंडिंग में थ्री लेयर्स प्रेजेंट है. इट इज़ सराउंडेड बाई द थ्री मेम्ब्रेन्स ऑफ थ्री लेयर्स. नाउ वॉट आर दिस थ्री लेयर्स फ्रॉम आउटर टू इनर? आउटर है ड्यूरा मैटर, मिडल है एरेक्नॉइड एंड इनर है पिया मैटर. सो जो इनर जो मिडल और इनर जो मेम्ब्रेन है उसके बीच में एक स्पेस होती है एरेक्नॉइड और पिया मैटर के बीच में, दैट इज नोन एज सब एरेक्नॉइड स्पेस. एंड दिस सब एरेक्नॉइड स्पेस एक फ्लूइड होता है जिसका नाम है सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड. नाउ कमिंग ऑन टू द ब्रेन, हमारा जो ब्रेन है वो डिवाइडेड है प्रोसेफेलॉन, प्रोजेनसेफेलॉन, मीजेनसेफेलॉन एंड रोमनसेफेलॉन. तो ये जो है हमारा प्रोजेनसेफेलॉन दैट इज़ फोर ब्रेन, मीजेनसेफेलॉन दैट इज़ मिड ब्रेन, रोमनसेफेलॉन दैट इज़ हाइंड ब्रेन. सो हमारा जो फोर ब्रेन है उसके अंदर भी दो पार्ट्स है, टेलेंसेफेलॉन एंड डायनसेफेलॉन. टेलेंसेफेलॉन में आएंगे हमारा सेरेब्रल हेमोस्फियर, बेजल गैंग्लिया, हिप्पोकैम्पस, एमाइडेलॉइड न्यूक्लियस, और डायनसेफेलॉन में आएगा हमारा थैलेमस, हाइपोथैलेमस, मेटाथैलेमस एंड सबथैलेमस. जो हमारा मिड ब्रेन है दैट डजंट हैव एनी काइंड ऑफ डिविजन्स. जो रोमनसेफेलॉन है जो हाइंड ब्रेन है उसमें भी दो डिविजन्स हैं, दैट इज मेटेनसेफेलॉन एंड माइलेनसेफेलॉन या मेड्यूला ऑब्लोंगेटा जैसे बोलते हैं. जो मेटेनसेफेलॉन है उसके अंदर आता है पॉन्स एंड सेरिबेलम. तो दिस चार्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज हाउ द ब्रेन इज डिवाइडेड. नाउ द मिड ब्रेन, पॉन्स एंड मेड्यूला ऑब्लोंगेटा, ये तीन मिला के बनता है हमारा ब्रेन स्टेम. नाउ कमिंग ऑन टू पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, हमने जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम को ख़त्म कर दिया है, ये सिर्फ ओवरव्यू है, आगे डिटेल में पढ़ना है. ओवरव्यू में हमने सेंट्रल नर्वस सिस्टम कर लिया, ब्रेन कर लिया, स्पाइनल कॉर्ड हमें अभी नहीं करना है. तो हम अभी मूव कर जाते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम से. तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है वो हमारा बनता है न्यूरॉन्स से, और उसकी कुछ प्रोसेसेस होती है विच आर प्रेजेंट इन ऑल द रीजन्स ऑफ द बॉडी. तो एक तो हो गया न्यूरॉन्स और उसकी प्रोसेसेस जो सारी
रीजन में प्रेजेंट होती है बॉडी के, वो बनाती है हमारा PNS. नाउ दिस PNS के अंदर दो चीज़ें होती है, क्रेनियल नर्व्स होते हैं, एक स्पाइनल नर्व्स होती है. जो क्रेनियल नर्व्स होती है वो अराइज करती है ब्रेन में से और स्पाइनल नर्व्स स्पाइनल कॉर्ड में से. और जैसे कि बताया, इट इज़ डिवाइडेड इनटू टू, सोमैटिक नर्वस सिस्टम एंड ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम. नाउ द सोमैटिक नर्वस सिस्टम इज कंसर्न विद द सोमैटिक फंक्शंस, दैट इज इंक्लूडिंग लाइक प्रोवाइडिंग द नर्व सप्लाई टू द स्केलेटल मसल्स. सो दिस इज अ नर्वस सिस्टम. दो बेसिकली द फंक्शन ऑफ द नर्वस सिस्टम इज प्रोवाइडिंग द नर्व सप्लाई. सो नर्व सप्लाई टू वॉट? स्केलेटल मसल्स, बिकॉज इट इज सोमैटिक. एंड also the SNS has another function, that is it is responsible for muscular activities and movements of the body. Now when we talk of skeletal muscle, it is basically for the muscular activities that we do, it is through skeletal muscles and the movements of the body. So this is how the SNS works, because it is providing the nerve supply to the skeletal muscles, which in turn produces some muscular activities and movements of the body. Now autonomic nervous system. Autonomic nervous system is concerned with the visceral vegetative functions. जो visceral vegetative organs है उनको ये nerve supply provide करता है, इसलिए उसको vegetative या involuntary nervous system भी बोलते हैं, because it is not in the control or हम इस पर कोई voluntary rights नहीं है हमारा. It is in not working on our actions. जैस पर जो हमारा SNS that works voluntary, हम उसको अपने हिसाब से चला सकते हैं. जो ANS है, दैट इज डिवाइडेड इनटू सिंपैथेटिक एंड पैरासिंपैथेटिक. सो हियर एंड्स आवर फर्स्ट लेक्चर, दैट इज इंट्रोडक्शन टू नर्वस सिस्टम. इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल डील अबाउट द न्यूरॉन्स. थैंक यू.